हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पोन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यूजेज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन या यूजेज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, करेक्ट है या नहीं है, कोई नया डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एक लिमिटेशन स्टडी करेंगे डायमेंशन इक्वेशन की या डायमेंशन एनालिसिस की, कि कहाँ कहाँ पर जा करके ये एक टाइप से आप बोल सकते हो कि फेल हो जाता है डायमेंशन एनालिसिस। तो इसकी कुछ एक लिमिटेशंस है, तो कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले ये जो मेथड जो हमने स्टडी किया डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन फॉर्मूलाज की हेल्प से, हमने फॉर्मूले ड्राइव किए, तो फॉर्मूले में जो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका डायमेंशन है, केवल उन्हीं क्वांटिटीज का जो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा, एक्सप्रेशन जो आएगा, वो डायमेंशनल क्वांटिटी का ही आएगा। लेकिन बहुत से फॉर्मूले हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होती है, तो फिर वो कैसे आएंगे। जैसे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास किसके इक्वल होती है, mgh। तो आपको कह दिया कोई क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है एम पे, जी पे और एच पे, और उस क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपके पास ये है एम वन एल टू टी माइनस टू। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ओके ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर। तो आपको कहेगा कोई आपके पास क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है एम पे, वो डिपेंड करती है वी पे, और उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला जो है उस क्वांटिटी का वो ये है एम वन एल टू टी माइनस टू। तो इसकी हेल्प से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास लेसन जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास ये लेसन आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यही आएगा। करके देख लेते हैं। देख लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है, जैसे उसने बोल दिया आपके पास क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है एक तो मास पे और दूसरा डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। तो इसकी पावर ए लिख लो, इसकी पावर बी लिख लो, और उस क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है एम वन एल टू टी माइनस टू। तो इसको मैं कैसे लिखूं, वाई इज एम ए और वी बी। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है एम वन एल टू टी माइनस टू, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएगी कोई हमारे पास कॉन्स्टेंट आएगा। उस कॉन्स्टेंट के बारे में ये हमें नहीं बताता है कि वो कॉन्स्टेंट आएगा क्या। जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये कितना आएगा, m का क्या होता है कैपिटल m रेज टू द पावर b, v का क्या होता है lt माइनस 1 रेज टू पावर b। ओके, तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा राइट साइड में आपके पास आ जाएगा m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b, t रेज टू द पावर माइनस। लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है एम वन एल टू टी माइनस टू। तो कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी तो है ही नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। तो बी इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आपके पास आ गया, और ए किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आएगी वाई की वो क्या आएगी m रेज टू द पावर 1, v रेज टू द पावर 2, तो m v स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो ये हाफ कहां गया, तो जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसके बारे में ये डायमेंशन फॉर्मूलेस हमें कुछ नहीं बताते, वहां पर जाकर के फेल हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन देखिए इसकी, जो आपके पास कुछ एक फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं, वहां पर जाकर के भी उन एक्सप्रेशन को ड्राइव करने में भी ये डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशन इक्वेशन फेल हो जाती है। कैसे, जैसे आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो हमारे पास एक जैसे आपके पास टॉर्क हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास एक एक्सप्रेशन होती है एन आई बी ए साइन ऑफ थीटा। ऐसे आपके पास और भी वैल्यू आएगी बहुत सारी, जैसे एम बी कोस ऑफ थीटा, इस टाइप से।
तो जैसे वो आपको बोल देगा कि वो इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ वैल्यू ही आएगी डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से। ये कंपोनेंट कहाँ गए, ये कंपोनेंट कहाँ गया, जो साइन कंपोनेंट है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम देते हैं, साइन, कोस, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके बारे में ये हमें कुछ नहीं बताता है। कुछ नहीं बताने का मतलब जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो ये फॉर्मूले में आएंगे ही नहीं, सिर्फ वही क्वांटिटी आएगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जैसे ये है, बाकी नहीं आएगी, तो वहां पर जाकर के भी ये फेल हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका है आपके पास लिमिटेशन, वो क्या है, बहुत से रिलेशन ऐसे हैं जिनको हम इसके हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिए, बहुत से फाइंड आउट कर लिए, जैसे आपके पास आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल वाई जी, एफ आ गया एम ए, इसी के हेल्प से आपके पास एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ओके। लेकिन कुछ एक लेसन ऐसे हैं, कुछ एक एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो हम डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से नहीं निकाल सकते हैं, हालांकि हमें ये पता है कि ये इन इन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं निकाल सकते। जैसे आपके पास एक लेसन आएगा अभी आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो मैं आपको कह दूंगा कि कोई क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है U पे, T पे और A पे, तो आप करने लग जाओगे U की पावर A, T की पावर B, A की पावर C, A, B, C की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं आएगी, उसमें एक्सप्रेशन कुछ और आएगी। तो इस टाइप के जो रिलेशन है उनको भी ड्राइव करने में डायमेंशन फॉर्मूला फेल हो जाता है, ओके। और अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो जैसे हमारे पास जब तक ये तीन आपके पास है ए बी सी, तीन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है ए बी सी, तब तक हम इसको इजीली आसानी से हम इसको मतलब यूज कर सकते हैं। अगर एक और वेरिएबल आ गया ए बी सी डी, तो फिर वहां पर जाकर के एकदम से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है, फिर उसको सोल्व करना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, आसानी से हम नहीं कर सकते उसको सोल्व। अब तक जो हमने स्टडी की सिर्फ तीन ही हम लिए कि आपके पास कोई क्वांटिटी है जो एम और जी और एच पे डिपेंड कर रही है, तो एम की पावर आपने ए लिखी, जी की पावर बी लिखी, एच की पावर सी लिखी, सोल्व किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली, पुट कर दी। अब मैं कह देता हूँ एक और है क्वांटिटी एक्स वाई जेड कुछ भी, उस पर भी डिपेंड करे, तो इसकी पावर डी लिखोगे, चार क्वांटिटी होगी, सोल्व करना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इस टाइप से भी एक तरीके से इसकी लिमिटेशन हो जाती है। दूसरा ये, और अगर हम बात करें तो जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आती है, जैसे ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स है, टाइम है, तो ये हमें ये नहीं बताता ये आपके पास कैसी क्वांटिटी आई है, स्केलर क्वांटिटी आई है, वेक्टर क्वांटिटी आई है, ये हम डॉट प्रोडक्ट में जाकर के पता चलती है, क्योंकि ये हमें साइन कोस कंपोनेंट के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताता ही नहीं है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, जैसे किसी के साथ साइन थीटा आ रहा है, किसी के साथ कोस थीटा आ रहा है, वहीं से हमें पता लगता है ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, और इनके बारे में तो ये हमें कुछ बताता ही नहीं है। तो ये कुछ है इसकी लिमिटेशंस थी, ओके, इतना कीजिए, थैंक यू।